हाय फ्रेंड, आई एम डॉक्टर राहुल मिश्रा फ्रॉम इंदौर मेडिकल कॉलेज एंड दिस इज माय अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हम बात करेंगे विटामिन सी पर। विटामिन सी क्या होता है, इसकी कमी होने पर कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, इन रोगों के लक्षण क्या होते हैं, हमारी बॉडी में विटामिन सी की नॉर्मल वैल्यू नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए, ठीक है, साथ में इसके सोर्सेस क्या होते हैं, सोर्सेस मतलब हमेशा क्या खाएं ताकि हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो ही ना। लेकिन अगर काफी विटामिन सी की कमी हो चुकी तो इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट क्या उपचार लें, तो इन सारे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं विटामिन सी क्या है। इसको अपन बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, साथ में इसे एंटी कैंसर विटामिन भी बोला जाता है, ठीक है। ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन का मतलब ये है कि हमें जितनी जरूरत है पर डे, ठीक है, तो उससे अगर हम ज्यादा लेते हैं तो जितनी हमें जरूरत होती है उतनी तो हमारा बॉडी यूज कर लेती है, बाकी एक्स्ट्रा विटामिन सी पानी में घुल करके यूरिन के द्वारा बॉडी से पास आउट हो जाता है। मतलब हमें इसकी डेली जरूरत पड़ती है। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों को हमें डेली अपने फूड में शामिल करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि इसकी कमी के क्या लक्षण है। विटामिन सी की कमी से जो सबसे ज्यादा प्रमुखता से होने वाला रोग है उसको अपन बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी आपके मसूड़ों का रोग है। मसूड़ों का कमजोर होना, मसूड़ों में स्वेलिंग आना, मसूड़ों में पेन होना, मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, जिसको अपन बोलते हैं गम ब्लीडिंग, ठीक है, तो ये कहलाता है स्कर्वी। अगर लंबे समय तक हमें स्कर्वी बना रहे तो कई बार दांत भी गिर जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है प्रतिरक्षा तंत्र, आपकी इम्यूनिट सिस्टम का कमजोर होना। अगर प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है विटामिन सी की कमी से तो हमें सर्दी खांसी बार बार होते रहते हैं, इसके अलावा भी कई सेकेंडरी इन्फेक्शन होते रहते हैं। इसके अलावा हमारे ज्वाइंट में पेन आना और स्वेलिंग होना, जो हमारे जोड़ होते हैं इनमें भी जो हमारे पास पे क्या होता है, पेन होता है और स्वेलिंग होती है। नेक्स्ट, हमारी विटामिन सी हमारी स्किन की हेल्दी और ग्लो रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की स्किन काफी खिली खिली दिखती है, ठीक है, उसमें कोई भी पिंपल्स विंपल्स नहीं दिखता है, लेकिन कई लोगों में क्या होता है कि स्किन पे झुर्रियां आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर क्या होता है, पिंपल्स रिंकल्स एक्ने निकल आते हैं, मतलब मुहासे निकल आते हैं। तो ये जो सब कुछ स्किन की प्रॉब्लम हो रही है ना, वो आपको विटामिन सी की कमी से हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि घाव भरना। अपन बात करें जिस पर्सन के अंदर विटामिन सी की कमी होती है उसमें घाव देरी से भरते हैं। डिलिंग हमारे पास क्या होता है, हीलिंग प्रॉपर्टी होती है बाउंस की, तो घाव देरी से भरते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एनीमिया। अगर हमारे पास बॉडी में विटामिन सी की कमी बनी रहेगी तो हमें एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन सी हम जो भी खाना खाते हैं उसमें आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त विटामिन सी है तो वो खाने में जो उपस्थित आयरन है उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, और ये आयरन फिर WBC बनाएगा, RBC बनाएगा, मेनली RBC बनाता है, ठीक है, और RBC को अपन ब्लड बोलते हैं। तो अगर अपन ने बोला हमारी बॉडी में कि अगर विटामिन सी पर्याप्त है तो ये आयरन को एब्सॉर्ब करेगा और आयरन से बनेगी RBC, ठीक है ना, और RBC से ब्लड बनेगा, तो हमें एनीमिया नहीं होगा। लेकिन अगर सोचो हमारे बॉडी में विटामिन सी कम रहेगा तो वो खाने में उपस्थित आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो RBC नहीं बनेगी, तो फिर हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। तो ये मेनली प्रमुखता से होने वाले रोग थे। साथ में कई बार आपने लोगों में देखा होगा कि नोज से ब्लीडिंग आती है, तो नोज से ब्लीडिंग आना भी इसी का सिम्टम्स है। ये सब विटामिन सी की कमी के लक्षण थे। अगले पास हमारे पास पॉइंट पर आते हैं, विटामिन सी की हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए, क्या इसकी वैल्यू होनी चाहिए। हम बात करते हैं विटामिन सी की नॉर्मल वैल्यू की, तो विटामिन सी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। बच्चों के अंदर इसकी बात करें 15-75 मिलीग्राम होती है, 15 से लेकर 75 मिलीग्राम। अगर वही महिला वुमेन्स की बात करें तो 75 मिलीग्राम होती है। अगर मेल्स की बात करें, मतलब एक एडल्ट मेल की बात करें, पुरुष की बात करें, तो 90 मिलीग्राम। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में अगर विटामिन सी की जरूरत है किसी को तो वो होती है एक प्रेग्नेंट महिला, और साथ में एक दुग्धपान मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मदर, दूध पान कराने वाली महिला, इनको सबसे ज्यादा विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा कि जो नॉर्मल रेंज होती है ये एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, पर अपन कॉमनली जैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाई इतना 75 से लेकर 90 के आसपास हमें नॉर्मल वैल्यू चाहिए ही पड़ती है किसकी, विटामिन सी की। अगर 75 से कम जा रही है एक एडल्ट मेल के अंदर तो इसको अपन बहुत सुंदर डेफिशिएंसी हो रही है, और अगर 90 से ऊपर जा रही है, 100 के ऊपर, तो फिर उससे भी टॉक्सिसिटी होती है। मतलब हमें नॉर्मल रेंज के अंदर ही विटामिन सी को बना के रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन सी के सोर्सेस की। विटामिन सी के जो सोर्सेस होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, मतलब भर भर की जो विटामिन सी होता है वो किसके अंदर मिलता है आपको, वेजिटेरियन फूड में। नॉन वेजिटेरियन में विटामिन सी होता ही नहीं है। तो हमारे पास अब बात करें कि मेन रिचेस्ट सोर्स क्या है, तो सारे खट्टे फल। सारे खट्टे फलों को आप किसको शामिल नहीं करेंगे, इमली और कैरी को शामिल नहीं करेंगे। सारे खट्टे फलों में क्या क्या आता है, जैसे हमारे पास हो गया आंवला, आंवले में भर भर की विटामिन सी होता है। इसके अलावा ऑरेंज, कीवी, मौसमी, नींबू, ठीक है, और आप ग्रेप्स को शामिल कर सकते हो, टमाटर को, आलू को और पपाया को, ये सब ऐसे फ्रूट हैं जिनके अंदर भर भर के विटामिन सी आपको मिल जाएगा। पर मेनली अपन बोलना चाहें विटामिन सी के लिए तो आंवला हो गया, आपका नींबू हो गया, और ये हमारे पास ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास कही तो सोर्स मैंने आपको बताया। हाँ, च्यवनप्राश भी आप लोग खाते हैं उसके अंदर विटामिन सी आपको भर भर के मिल ही जाता है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि दूध के अंदर विटामिन सी नहीं मिलता है, ठीक है, दूध में विटामिन सी और आयरन दोनों चीजें नहीं मिलती हैं। तो ये अपन ने देखा हमारे पास क्या सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। लेकिन अगर फिर भी किसी कारण की वजह से हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी रह जाए तो हम क्या करें,
विटामिन सी की कमी होने पर हम उसका ट्रीटमेंट लेंगे। ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, अभी आपने देखा होगा कोरोना टाइम पे जब भी आप कोरोना का ट्रीटमेंट कराया आपने, या फिर हमें कोरोना नहीं हुआ नॉर्मल कंडीशन भी डॉक्टर को दिखाने जाते, वो साथ में विटामिन सी लिख ही देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ठीक है। तो विटामिन सी के लिए कोई भी आप मार्केट में जो डॉक्टर लिखते हैं वो टेबलेट आपको मिल सकती है, ठीक है ना, और आप उसको खा करके विटामिन सी की जो हमारे पास डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट होता है। अगर इमरजेंसी कंडीशन में कभी कमी आ जाती है तो इसके इंजेक्शन भी आते हैं मार्केट में और टेबलेट भी आते हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको लेना है, कितने दिन तक आपको लेना है, कितना क्या करना है, ये आपको डॉक्टर खुद बताएंगे, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में बात करें कि आपने देखा होगा कि जनरली लिमसी एक टेबलेट आप जरूर खाते हैं। लिमसी मतलब लिमसी विटामिन सी की टेबलेट है, वो नियरली 500 mg में आती है। तो 500 mg में अगर आप उसको खा रहे हैं तो नियरली 2 हफ्ते खाने के बाद आपके अंदर पूरी की पूरी विटामिन सी की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि यार आप मतलब टेबलेट लें या इंजेक्शन लें। अगर अपन अपने खाने में ऑरेंज को शामिल करते हैं, लेमन को शामिल करते हैं, आंवले को शामिल करते हैं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप टेबलेट पर जाएं, इंजेक्शन पर जाएं, ठीक है। अब जैसे अपन ने बोला कि भाई मुझे नियरली एक एडल्ट मेल को 90 मिलीग्राम इतना चाहिए, ठीक है, पर डे के हिसाब से इतने मिलीग्राम मुझे विटामिन सी चाहिए, तो ये कहाँ से मिलेगा? एक जो मिडिल साइज का ऑरेंज होता है ना, मिडिल साइज का जो इसको हम ऑरेंज को खाते हैं, उसके अंदर लगभग 51 मिलीग्राम ये रहता है विटामिन सी रहता है। तो अगर अपन दो ऑरेंज एक दिन में खाते हैं तो नियरली अपन 102 मतलब 102 मिलीग्राम तो पहुंच गए ना, तो हमारी तो फुलफिल हो गई ना विटामिन सी की। इसके अलावा जैसे ऑरेंज नहीं खा पाते हैं तो आप बोले कि ऑरेंज हर सीजन में नहीं मिलता है या भाई गाँव में तक उसकी पहुँच नहीं होती है, तो नींबू तो हर किसी घर में होता है, ठीक है। नींबू की बात करें, एक नींबू के अंदर एक मिडिल साइज का जो नींबू होता है ना उसमें 31 मिलीग्राम 31 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। तो अगर एक दिन में हम लगभग दो या तीन तीन नींबू खाते हैं ना, तो आप सोचो 93 तक आप वैसे पहुंच गए ना, तो दो तीन नींबू ही आपको पर्याप्त मात्रा विटामिन सी दिला देते हैं। तो अगर हम डेली अपने फूड में खट्टे फलों को शामिल करते हैं, और रियल में जो हमारे खाने के साथ जो अचार का जो चलन चला था ना भाई, हम खाने के साथ अचार खाते थे, तो अचार किस लिए चला था? इसीलिए ताकि हमारे फूड में डेली की डेली विटामिन सी की सप्लाई होती रहे, क्योंकि विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और इसको अपन को पता है कि आज की कमी आज ही पूरी कर सकते हैं आप। जैसे आज की जो हमें जरूरत है, आज आप खाने के अंदर अचार के अंदर नींबू आंवले का अचार ले लो तो उससे विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है, कल आपको फिर खाना पड़ेगा। आप सोचो कि आज हम पूरा ही मतलब कि ऐसा बात करें कि 6-7 ऑरेंज को निपटा दें, ठीक है, और फिर ये 2-4 दिन का काम चला दे, ऐसा नहीं हो पाएगा। जितनी आज जरूरत है उतनी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, जो एक्स्ट्रा विटामिन सी है उसको बॉडी यूरिन तो बॉडी पास आउट कर देती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा कि आपको इसको डेली शामिल करना पड़ेगा अपने फूड में, कि जो विटामिन सी होता है वो हमें हार्ट डिसीज से बचाता है, मतलब हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और हार्ट में होने वाले रोग हैं उसको रोकता है। इसके अलावा हमने इसको स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि ये एंटी कैंसरस विटामिन है। मैं एंटी कैंसरस का मतलब ये था कि ये हमारी बॉडी में होने वाले कैंसर के चांस को भी कम करता है, मतलब हमारी बॉडी को कैंसर से प्रिवेंट करता है, कैंसर से बचाता है। कैसा क्यों करता है? क्योंकि इस विटामिन सी के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में बनने वाले जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कैंसर कर सकते हैं, रोग कर सकते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, उनको खत्म कर देता है। तो हमारी बॉडी में हार्ट को भी हेल्दी रखेगा और कैंसर को भी रोक के रखेगा, ठीक है। तो प्लीज अपने खाने में अपनी डाइट में विटामिन सी को जरूर शामिल कीजिए। लास्ट में आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ इससे आपको फायदा हुआ, तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जब भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।